हाय गाइस, बी टाउन हॉप चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आलिया भट्ट और रणवीर सिंह का स्टार फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये जोड़ी इससे पहले हमें गली बॉय फिल्म के अंदर एक साथ देखने को मिली थी और दोस्तों दर्शकों को ये जोड़ी एक साथ बहुत ही पसंद आई थी। और दोस्तों ये जोड़ी फिर से एक साथ बड़े स्क्रीन पर रोमांस करती हुई नजर आएगी और उस फिल्म का टाइटल है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। और दोस्तों उस फिल्म को डायरेक्शन करण जौहर देने वाले हैं। तो दोस्तों काफी अरसों के बाद करण जौहर भी कोई बड़ी फिल्म को डायरेक्शन देने वाले हैं। तो दोस्तों क्या है पूरा न्यूज में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर करना मत भूले। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रणवीर सिंह की सबसे पहले जो फिल्म आने वाली है उस फिल्म का नाम है 83 वर्ल्ड कप, जिस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे हैं कबीर खान। और दोस्तों उस फिल्म के अंदर हमें रणवीर सिंह कपिल देव का रोल करते नजर आएंगे, जो कि 1983 में वर्ल्ड कप लाए थे हमारे क्रिकेट में। और दोस्तों उनकी वाइफ का रोल करते नजर आएगी दीपिका पादुकोण। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म पिछले 2 साल से डिले हो रही है और दोस्तों कब रिलीज होगी वो तो भगवान ही जाने। लेकिन दोस्तों रणवीर सिंह ने उनकी आने वाली फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी है, जो कि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के अंदर हमें रणवीर सिंह के ऑपोजिट आलिया भट्ट रोमांस करती हुई नजर आएंगी। इस फिल्म के अंदर हमें जबरदस्त लव स्टोरी दिखाई जाएगी और दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे हैं करण जौहर। जी हाँ दोस्तों, करण जौहर बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है और ये फिल्म 2022 में रिलीज होने वाली है। दोस्तों रॉकी और रानी प्रेम कहानी की स्टोरी लिखी है शशांक खेतान ने, जो कि बहुत ही बढ़िया राइटर है। और दोस्तों स्क्रीन प्ले दिया है इशिता मेहत्रा ने। फिल्म की शूटिंग अगले महीने में स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों इस फिल्म के अंदर हमें धर्मेंद्र सर देखने को मिलेंगे, शबाना आजमी उनके साथ देखने को मिलेगी और दोस्तों जया बच्चन भी इस फिल्म के अंदर अहम रोल करती नजर आएगी। यानी कि ये एक मल्टी स्टार फिल्म रहने वाली है और दोस्तों इस फिल्म को अभी से IMDb रेटिंग पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स बेहतरीन मिल रहा है। दोस्तों फिल्म के अंदर हमें लव स्टोरी के अलावा कॉमेडी सीन भी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हैं? क्या ये फिल्म गली बॉय से भी बेहतरीन फिल्म शामिल हो पाएगी या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। और दोस्तों ऐसी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दे।